नमस्कार, मेरा नाम अमित है और वेलकम बैक इस नए ट्यूटोरियल एक्सेल के। आज जो ट्यूटोरियल मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सेल में जो बताने वाला हूँ, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जो हम सभी को प्रॉब्लम होती होगी यूज़ करने में। जैसे सपोज़ हमारे पास कोई डेटा है, पहले तो बता दूँ इसका नाम है ब्रेकिंग वैल्यूज ऑफ ए सेल। अगर एक सेल में कोई वैल्यू है और उसको हम अगर अलग अलग सेपरेट सेपरेट सेल्स में करना चाहते हैं तो उसको कैसे करना है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कुछ नाम है और इन नामों को हमें सेपरेट करना है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अलग अलग। ठीक है, तो इसको किस तरीके से किया जा सकता है, इस बारे में ये ट्यूटोरियल होगा पूरा। तो ये बहुत ही सिंपल है। पहले तो देखिए, सारे नाम है हमारे पास, इन सबको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ फर्स्ट नेम में। ठीक है, मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है और एक बार ये यहाँ पेस्ट हो गया है तो अब हमको इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में अगर इसको स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है इन सारे सेल्स को, तो इसके लिए क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर डेटा है तो डेटा पर जाएंगे आप लोग और फिर टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दो चीज़ें लिखी हैं, डिलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ। फिक्स्ड विड्थ का मतलब होता है आपके सारे नाम जो हैं उनके लेटर्स सेम होंगे, मतलब सेम नंबर्स होंगे, सेम नाम नहीं होगा लेकिन उनका विड्थ, तो जो लंबाई और चौड़ाई जिसे कहते हैं नाम की, वो बराबर होगा। यहाँ पर सारे सेम नहीं, आप देखेंगे ये नाम में कुछ लेटर्स होंगे तो इसमें कुछ ज़्यादा लेटर हैं, इसमें बिल्कुल कम है। सारे नाम अलग-अलग विड्थ के हैं, एक सेम विड्थ नहीं है। तो हम डिलिमिटेड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे प्रेस करेंगे हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि हमारे नामों में क्या, मतलब किस चीज़ से हमारी नाम डिफर हो रहे हैं। तो आप यहाँ देखेंगे हमारे नाम दो नेम को अगर बांटना है हमें तो किससे बांटेंगे। तो एक तो यहाँ पर देखेंगे डॉट है नेम के बीच में, के डॉट नितेश, यानी कि के नितेश इनिशियल होगा। फिर आप देखेंगे यहाँ पे खाली नाम है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो दिनेश कुमार, कुमारी नीलम, इन सब में हम देख रहे हैं तो स्पेस है। ठीक है, स्पेस से हमें इनको स्प्लिट करना है। स्पेस के पहले वालों को फर्स्ट नेम में रखने देंगे, स्पेस के बाद जो भी नाम है उसको लास्ट नेम में हम लोग स्प्लिट कर देंगे। ठीक, तो दो चीज़ें हैं जैसे कि देख रहे हैं, एक तो फुल स्टॉप है ये डॉट और दूसरा स्पेस। तो इन तो हमें यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है, स्पेस पे सिलेक्ट कर दिया और फुल स्टॉप के लिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है तो अदर स्पेस सिलेक्ट करके यहाँ पर हम फुल स्टॉप एंटर कर देंगे। जैसे फुल स्टॉप एंटर करेंगे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपका नेम जो है स्प्लिट हो चुका है इस तरीके। अगर मैं फुल स्टॉप निकाल देता हूँ तो आप देखेंगे नाम अभी एक तरीके उसी तरीके से जिस तरह पहले था। जैसे फुल स्टॉप करता हूँ तो ये अलग हो जाते हैं और नेक्स्ट करेंगे और फिनिश कर देंगे। आप देख रहे हैं कि आपके नाम जो है बढ़ चुके हैं, जो डॉट हो जो फुल स्टॉप था वो फर्स्ट नेम में रह गए और उसके बाद के लास्ट नेम हो गए। जिन नामों में ना फुल स्टॉप था ना स्पेस था वो उसी तरीके से हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम उनके खाली हैं, कुछ नहीं है। और जिन में स्पेस था उनके फर्स्ट नेम इस प्रकार हैं और लास्ट नेम यहाँ पर स्प्लिट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक सेल्स के वैल्यू को किसी भी, मतलब स्प्लिट कर सकते हैं जिस तरह चाहें उस तरीके से। ठीक है, उसके अलावा ये तो मैंने सिर्फ एक नेम्स का एग्जांपल लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और तरीके से दिखाता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ कि माई नेम इज़ अमित। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, अगर सपोज मान लेते हैं अभी आप देखेंगे कि ये दोनों एक ही सेल्स में लिखे गए हैं। अब मैं इन इनकी वैल्यूज जो हैं माय नेम इज, इन सबको अलग अलग सेल्स में करना चाहता हूँ तो किस तरीके से कर सकते हैं। पहले तो इसे सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग, तो हम इसको पहले सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलम वाले पे जाकर क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है एक सेकंड, क्योंकि मैंने यहाँ गलती कर दी दो सेल्स, क्योंकि ये वैल्यू एक ही सेल्स में है तो मैंने दो सिलेक्ट किया था इसलिए गड़बड़ हो गया था। ये हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और टेक्स्ट टू कॉलम पर जाएंगे और यहाँ पर क्योंकि हमारी विड्थ फिक्स नहीं है, दोनों में अलग अलग लेटर्स हैं, अलग अलग नाप के हैं दोनों सेंटेंस, तो डिलिमिटेड पे करके नेक्स्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं इनमें भी क्या कॉमन है, स्पेस है, इनमें फुल स्टॉप नहीं है तो केवल स्पेस है।
तो अदर को अगर हटा भी देते हैं तो भी कोई मतलब नहीं है। स्पेस यहाँ पर सिलेक्टेड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सेल इस तरीके से हो जाएंगे। तो मैं नेक्स्ट करके फिनिश करता हूँ इस चीज़ को, और जैसे ही करूँगा आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें अलग अलग सेल्स में हो गई हैं। तो इस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप सभी लोगों को इससे प्रॉब्लम होती होगी। कभी कभार हम लोग कहीं टेक्स्ट से या वर्ड फॉर्मेट से या कहीं से भी डेटा कॉपी करते हैं एक्सेल में, पर वो उनको स्प्लिट करने में मुश्किल होती है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ये हेल्पफुल भी होगा आपको। और इसके बारे में कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।